आशीमा जी, जो भी यहाँ पे सब कुछ हुआ, आपका क्या टेक है उसमें? रियलिटी है, पब्लिसिटी स्टंट है? ऑब्वियसली सारी की सारी पब्लिसिटी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता. सबने अपनी अपनी मेहनत करी है तो सबको अपनी अपनी मेहनत का फल दिखाई देगा. बट यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ जो कि पब्लिसिटी पाना चाहते हैं वही सब ये सब करते हैं. आगे मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में. देखिए वो तो सब अब जो न्यूज़ चलेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट यहाँ पर जो कुछ दिखाया गया है वो सब गलत है, क्योंकि हम लोग खुद हर चीज़ को वर्कआउट कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि यहाँ बोला गया है. आपको पर्सनली कितना धक्का लगा है? मतलब ये इट्स माय डेब्यू, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ में. बट ये सब चलता रहता है लाइफ में, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी शायद, क्योंकि इंडस्ट्री में शायद ये सब नॉर्मल है. इट्स लाइक दैट. कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है डायरेक्टर साहब पे. आपके साथ कुछ? मैं न्यू कमर हूँ सर, मैं जोधपुर से आई हूँ. शायद हमारा राजस्थान बहुत बैकवर्ड है इस चीज में. मेरे साथ जब उन्होंने हमेशा एक बेटी की तरह बर्ताव किया है तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि उन्होंने किसी को कुछ कहा होगा. मेरे न्यू और वो तो उनकी कब से फ्रेंड रह चुकी हैं, तो उनमें तो और मुझ में बहुत फर्क हो गया है. जब मैं एक न्यू कमर के साथ उन्होंने बेटी जैसा बर्ताव किया, तो मैं नहीं सोचती कि उन्होंने उनके साथ कुछ किया होगा. You're making your debut. Tell us something about your role in the movie. It's like I'm Alia in the movie. एंड ये गरीब घर की लड़की के ऊपर मूवी है, जो कि कैसे बैड आंसर बनती है, ट्रेजेडी से कैसे होकर ये जेल पहुंचती है. बीच में इसे समीर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है. एक पर्टिकुलर बैड आंसर क्यों बनती है, ये उसकी क्या मजबूरियां होती है, यही सब हम लोगों को दिखाना चाहते हैं. राखी जी के साथ कैसा तालमेल था सेट पर? बहुत अच्छा था. शी इज वेरी सपोर्टिव एंड केयरी फॉर मी. हर चीज में लाइक डायलॉग हो या कुछ भी हो, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, एक दूसरे के ड्रेसेस देखते थे कि कहीं मैच नहीं हो, ताकि हम लोग स्क्रीन पे अच्छे दोनों अलग अलग जगह दिखे. तो ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ. आशीमा जी, जो लड़की मनीषा आती जिसने भी अभी कुछ ड्रामा किया, आपने सेट पे इसे देखा था इस लड़की को? नहीं, मैंने कभी नहीं. कभी नहीं? नहीं. शी इज अ फ्रेंड आई नो दैट, बट सेट पे कभी नहीं. बट आपको क्यों लगता है पब्लिसिटी स्टंट और सच नहीं? और ये जो अभी हुआ, ये सब स्टेज पे जो हुआ, होटल के अंदर जो हुआ, ये पहले से स्क्रिप्ट था? देखिए मैं तो आप मेरी शक्ल देखे से बता सकते हैं, वो तो सब जने कि मुझे लगता था कि यहाँ पे ऐसे कुछ होने वाला है. मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ज्यादा मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहती. साउंड पान आपको लगता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकती. सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो भी हुआ है गलत हुआ है उनकी साइड से, हमारी साइड में ऐसा कुछ हुआ नहीं था. लाइक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर वेरी इनोसेंट देयर. प्रदीप जी, आपके किरदार के बारे में बताइए, फिल्म में क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं? इसमें नेगेटिव रोल है मेरा, एक डॉन का रोल करा है, बादशाह खान के नाम से फिल्म में काम कर रहा हूँ. कैसा पूरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ नया एज एन एक्टर आपकी डेब्यू फिल्म में, क्या अलग रहा? This is my first movie, but I am feeling good. Let's see what will be the result. आपको कितनी उम्मीदें हैं फिल्म से? कह नहीं सकते, इसमें एक आइटम सॉन्ग में भी मेरा रोल है, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए. उम्मीद है कि जितना जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भी कुछ करा है, सब लोगों ने मिलकर जितनी मेहनत करी है, वो रिजल्ट कुछ तो मिलने चाहिए. काफी उम्मीद है. डांस बार के बारे में क्या कहना है? सो लॉन्ग, जब स्टार्ट थे तब एक आध बार, बेसिकली आई लिव इन दिल्ली, बट कभी कभार आना होता था पहले, तो एक आध बार गए हैं. बट ठीक है, इट्स नॉट बैड. नो, आई कांट से एनीथिंग, इट्स ए पॉलिटिकल मामला. बट बेसिकली व्हाट हैपन, जितने डांस बार जो यहाँ पर बंद हुए, जो सुनने में आया, सारे डांस बार के सब डांसर्स मोर और लेस आई थिंक दुबई में शिफ्ट हो गए मैक्सिमम. अगर डांस बार स्टार्ट होंगे कभी भी, तो सब फिर वापस आ जाएंगे. हेयर स्टाइल आपका बहुत अच्छा लगा, ऊपर एक पोनी बनाई है आपने, मतलब ये फिल्म का ये लुक है या? नो, मैं अपने लुक अपने आप चेंज करता रहता हूँ टाइम के हिसाब से. आई रेगुलर लिव ऑन द ट्रैवलिंग, सो टाइम टू टाइम आई चेंज. ओके, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. यस सर. यस, जिंदगी में कभी नहीं. सेट पे कैसी थी? सेट पे बहुत अच्छी थी. जैसा आपके सामने, सबके सामने बोला उन्होंने कि मैं 15 साल से दोस्त हूँ, और 15 साल से दोस्ती निभाने के चक्कर में आइटम गर्ल से मैं उसको रोल बनाया, एक्ट्रेस बनाया. उसकी सहेली आके बात कर रही थी कि आपने रोल काट दिया, ये कर दिया. हुज सी, मैं तो जानता भी नहीं. 20 लोग लेके आए थे वो लोग, कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, मुझे नहीं मालूम. बट उन्होंने आरोप लगाया कास्टिंग काउच का,
मूवी पिक्चर आ रही है 2 तारीख को, पिक्चर देख लीजिएगा। मेरी फिल्म में किसी का वल्गर सीन नहीं है, एक शॉट नहीं है फिल्म के अंदर में। और वल्गर सीन था तो राखी सावंत ने आपको 2 स्टेटमेंट है ना, पहले राखी सावंत ने स्टेटमेंट दिया आपको कि मेरा बहुत अच्छा रोल है, आइटम सॉन्ग नहीं था, तो आइटम गर्ल थी इसलिए हमने उसको आइटम डाला ड्यू टू द शक्ति कपूर जी के बोलने पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, रोल पूरी पिक्चर में देखिएगा, राखी सावंत ने जब काम किया तो बहुत अच्छा काम किया। सेट्स पर ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई बातचीत नहीं था, ये पार्टी का माहौल था, पार्टी में लोग आते हैं इस तरह की बातें। और मेरे को भी कोई शौक नहीं कि इस तरह की चिप पब्लिसिटी, आप लोगों ने भी देखा होगा किसी को कुछ पता ही नहीं था, एक अच्छा खासा माहौल चल रहा था उसके बीच में ये ड्रामा। तो मुझे भगवान की दया से पहली फिल्म है, अच्छी फिल्म बनी, आप लोग देखेंगे इसमें एक भी वल्गर सीन नहीं है। मैं तो सेंसर से डर रहा हूँ कि सेंसर मुझे यू सर्टिफिकेट नहीं देते। मैंने हाथ नहीं उठाया सर, मैंने उसको रोका, अपने आप को सेव किया। मैंने स्टेज पे आके सब लोग देख रहे थे, यहाँ बैठे थे गेस्ट भी थे, आपकी मीडिया भी थी, आपके पास भी क्लिपिंग है, रिमाइंड करके देख लेना। मैंने उसको रोका, हाथ पकड़ा उसका, कोई किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो सेल्फ अपने आप को मेरे को जो है ना सेव करना था। और इस तरह से भरी महफिल में होना नहीं चाहिए था, कोई भी था, कौन था मैं नहीं जानता हूँ, इसके बारे में राखी सावंत ज्यादा बताएंगे कि वो कौन थी, कहाँ से लेके आई थी। नहीं नहीं, फिल्म के हिसाब से अगर होता तो प्रोड्यूसर और हम सब चिलम चिली नहीं करते। मुझे ऐसी चीप पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरी फिल्म अपने आप में जो है जिस तरीके से आपने देखा होगा शुरुआत हुई थी, और वहाँ तक पिक्चर के अंदर इतनी मसाला कि अपने आप आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। बाहर की कहानी है, अंडरवर्ल्ड की कहानी है, पॉलिटिक्स की कहानी है, तेलगी स्टंट है इस पिक्चर के अंदर में, स्कैम घोटाला है, सब कुछ है इस फिल्म के अंदर में। अच्छा, उस लड़की को आप सेट पे आपने कभी देखा था? सेट पे कभी नहीं देखा। लेकिन उसने तो अभी कहा कि मेरा रोल देखिए जिस यहाँ पर कट किया गया। नहीं नहीं, इस फिल्म में कहीं नहीं शूट किया गया। नहीं, अभी ऐसा कहा। एक काम कीजिए, मेरे पूरे फुटेज हैं, जाके लैब से आप चेक करा लीजिए, मीडिया को पूरा हक है, प्रोड्यूसर से बात कर लीजिए, फाइनेंसर से बात कर लीजिए कि कब देखा, कहाँ देखा, कब रोल दिया उसको। हाँ मैं सर अभी नहीं नहीं, मैं जा रहा था, मैं नहीं होता नहीं नहीं पुलिस नहीं नहीं पुलिस के पास देखिए मैं जा रहा था, मेरे प्रोड्यूसर ने रोका कि ये म्यूजिक रिलीज करके यहाँ से मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप चलते तो मैं ओशीबरा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ यहाँ से, डेफिनेटली एफ आई आर करूंगा क्योंकि मेरे ऊपर ये किया गया है। और सर मीडिया ज्यादा जानती है सर, मैं क्या बोलूंगा सर, क्योंकि राखी सावंत के साथ वो आई थी तो डेफिनेटली राखी सावंत रिस्पॉन्सिबल है, राखी सावंत के साथ वो आई थी। अब राखी हो सकता है राखी को भी नहीं मालूम होगा उन लोगों ने प्लान किया हो अभी ऐसा कि कुछ ऐसा हो जाए। अब उसने बोला कि राखी को प्रोमो में नहीं दिखा गया, तो शी डज नॉट व्हाट इज द प्रोमो और व्हाट इज द सॉन्ग। 2 मिनट का प्रोमो होता है सर, आपने 2 मिनट में पूरा गाना कैसे दिखाएंगे? राखी का गाना नहीं दिखाया, राखी गाना नहीं दिखाया। तो मुझे कोई शौक नहीं कि यहाँ मीडिया के सामने आके ये सब बातें करूँ, प्लीज। मैं बोल रहा हूँ बस, मैं तो एक अच्छे माहौल में आया था, अच्छे मूड में थे, हमारे जयपुर से गेस्ट आए हुए थे, हमारे राजेश जी आए हुए थे, राकेश जी आए हुए थे, दुबई से हमारे जो पैडी का रोल किया उन्होंने प्रदीप जी, वो दुबई से आए थे, तो हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। और मैं भगवान साक्षी है, मैंने माय फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्में लिखी है जो सबने देखी है, तो कभी हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी पब्लिसिटी का कि नहीं मैं डेब्यू कर रहा हूँ ऐसी पब्लिसिटी। हाथ जोड़ता हूँ, गणपति बापा सद्बुद्धि दे और ऐसे लोगों से दूर रखे। देखिए डेफिनेटली जाऊंगा मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर को भी लेके जाऊंगा मैं और एफ आई आर लिखाऊंगा, प्रोड्यूसर साथ नहीं रहेगा तो मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बात हुई है तो मुझे जाना जरूरी है। और उसको बोलने दीजिए, कुछ जो बातें बोलती है वो सब बातें पता चल जाएगी। नहीं राखी जब अगर मीडिया के सामने वहाँ चिल्ला रही कि मेरे दोस्त को ऐसा किया, आप किसी भी आदमी पे हाथ उठाओगे तो कोई तो दूसरी लड़कियां थी ना जिन्होंने हाथ उठाया, लेडीज थी, तो उनको सोचना चाहिए था। मैं तो हाथ नहीं उठाया, मैं तो अपने को सेफ कर रहा था। और मैंने लास्ट वर्ड ये भी बोला है आपकी टीवी पे अगर देख लेना कि प्लीज आप लड़की हो, अगर लड़का होता तो मैं बताता, राखी सावंत का कोई दोस्त होता था ना तो कुश्ती लड़ने में मजा आता मुझे थोड़ा सा कि देखते कि क्या है ड्रामा। हाँ सर, ये अभी 2 दिन पहले मैं इंटरव्यू भी देके आया था कोमल नाटा साहब की, यहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने पूछा था ये लिमिट कहाँ तक है राखी, तो बोली एक लक्ष्मण रेखा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला। सर पब्लिक पिक्चर देख के ये सब कितने हो चुके, कितनी फिल्मों में ये सब ड्रामा हो चुका, किसी को फायदा नहीं होता सर, नुकसान हो जाता है। तो मैं सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस स्टंट को किनारे